पाल्डन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बचपन में ना मैं फुल स्ट्रेच करता था, अब तो सिर्फ ये रबर बैंड स्ट्रेच होता है। अरे होगा होगा, ट्राई तो कर। अरे पगले जाने दे, तुमसे ना हो पाई, स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। कैसा होता है ना, हमारा मन ही बुद्धू होता है। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्लामा मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, तो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सो बातें करता ये बुद्धू सा मन है। वैभव तुझे पता है? नहीं रे, तुझे पता है तो तू बोल। शायद मिस्टी को पता है। अरे मिस्टी तो सोफे पे बैठी है, शायद पाल्डन को पता है। मुझे तो नहीं याद आया कि मैं भूल गया। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है कि रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकतें जो होती हैं, खुशियों की मिली है मजा। अबे दिखता नहीं क्या बुड्ढे? अरे तुझे बोला, अरे तुझे बोला, तुझे बोला। एक मिनट, शायद हम सबको बोला। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सब बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सब बातें करता ये बुद्धू सा मन है। अरे निकलो इधर से, रोज हंसते रहते हो यहाँ पे बुड्ढे। ए बुड्ढा होगा तेरा बाप, अभी तो हम बच्चे हैं। क्या बात है, क्या बात है यार। We missed you, Mishti, on stage. But I had a smile on my face throughout this act. बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद कर रही हूँ कि अगर मैं इस उम्र तक पहुँच गई तो इस तरह से नाच पाऊँ। मुझे आपके चेंज ओवर्स बहुत अच्छे लगे, जितने द ओल्ड चेंज ओवर इन टू अ गुड हैप्पी डांसिंग एंड गोइंग बैक इन टू द ओल्ड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। Fantastic. शिल्पा जी, ये एक्ट एक वहीकल जैसा था अगले पड़ाव तक पहुंचने के लिए, और एक वहीकल को चलने के लिए चारों पहियों की ज़रूरत होती है। एक पहिया ऑब्वियसली इज आउट ऑफ बाउंड्स, और उनके बिना भी आपने जो परफॉर्मेंस दिया है आज, इट्स रियली वंडरफुल। मिसाल बहुत अच्छा किया आपने, और पता है एक एक सिग्नेचर सा मूवमेंट हो गया है वो स्माइलिंग बुद्धा वाला फ्लिप। अभी सुपर से ऊपर वाले एक्ट्स आपने इतने दिखाए हैं मुझे कि अब हम थोड़े से लालची हो गए हैं। आई एम गोइंग टू वेट। वेलकम टू फादर्स डे सेलिब्रेशन, और हमारी पहली स्टूडेंट हैं शगुन सिंह, और आज शगुन अपने पिता के बारे में कुछ कहेंगी। जिनके होने से मेरे पूरे होने का एहसास है,
ये है उनकी कहानी जो मेरे लिए सबसे खास है। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी ये तो अकेली आई है, इसका हस्बैंड कहाँ? जरूर इसमें ही दोष, बच्चे का ध्यान ये अकेली कैसे रख लेती है? पति छोड़कर चला गया होगा। अभी तक ऑफिस का काम पूरा नहीं किया है। पूरे दिन काम पे रहेगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? Get out, you're fired. बच्चे की परवरिश अकेले थोड़ी होती है। मेरी परवरिश के लिए जिसने अपनी नींदों को कुर्बान किया है, खुद को मुश्किलों में डाल के मेरा जीना आसान किया है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंस दे तो टल जाए हर मुश्किल। न जाने क्यों बार बार लोगों की नजर उस पर पड़ती थी, स्कूल की लाइन में कई पिताओं के बीच मेरी माँ भी खड़ी थी। सारे दुख हो जाते हैं गुम, मेरी दोस्त, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरा सब कुछ हो तुम। हैप्पी फादर्स डे माँ। ब्यूटीफुली आपने इसे प्रेजेंट किया है। मैं हमारे जजेस से पूछने से पहले मैं शगुन की मम्मी से बात करना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले तो मैं जितनी भी सिंगल मम्मियां हैं सबको पहले मैं सलाम करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। दो सिंगल होते हुए भी घर और बाहर दोनों जगह काम करते अपने बच्चों की इतनी सी परवरिश करती है। थोड़ी सी सयानी है, थोड़ी सी इमोशनल, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.